मेरा नाम इमरान खान है एज अ सोशल वर्कर फ्रॉम माजगांव। मैंने अक्सर मेरे हर एपिसोड के अंदर ये बताया रहूंगा कि आधार कार्ड इम्पोर्टेंट के साथ साथ में कंपल्सरी है। तो आज जैसे आधार कार्ड बनाने, आज अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा, स्कूल कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी कर दिया, पासपोर्ट के लिए कंपल्सरी कर दिया, राशन कार्ड के लिए कंपल्सरी कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, माने अक्सर हर आधार कार्ड हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी कर दिया। लेकिन आज जो देखा जा रहा है, पहले आधार 3 दिन में आता था, 7 डेज में आता था, 10 डेज में आता था, लेकिन आज 45 डेज लग जाते हैं, 90 डेज लग जा रहे हैं। स्पेशली उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो मैं ये बोलूंगा, जो आज न्यू बॉर्न बच्चे हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद में आधार कार्ड बनाना है तो उसका अक्सर रिजेक्ट हो रहा है। बच्चे लोग में ना नेम चेंज हो रहा है, ना डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रहा है, ना एड्रेस चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ तक के यहाँ ये हो गया है कि जितने भी ये आधार सेंटर बैंक में है, पोस्ट में चल रहे, इलेक्शन डिपार्टमेंट में चल रहे, स्कूल में चल रहे, सब ऑपरेटर लोग परेशान हो गए, क्योंकि सिटीजन उसके पास आकर के कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा आधार कार्ड क्यों नहीं आया, प्रोसेस में दिख रहा है, 45 डेज हो गए, 50 डेज हो गए, अब ये क्या जवाब दें। ये बेचारे लोग परेशान हो गए सिटीजन को देख करके, इसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आज तो ये हो रहा है कि हर पेरेंट्स परेशान है इसके पीछे, स्टूडेंट्स परेशान है, स्टूडेंट्स इसके लिए परेशान है क्योंकि कॉलेज की आईडी के लिए इनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अब इसके अंदर ऐसा है कि हर कोई परेशान हो चुका है। मैं चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब से, जो आईटी मिनिस्टर भी है और चेयरपर्सन ऑफ यूआईडी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द ये कर दे, जबकि आपने इतना इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स रखा जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता है। सिटीजन्स वाकई इसमें बहुत परेशान है, ऑपरेटर बहुत परेशान है, कोई ऑपरेटर कोई सिटीजन्स को बिठा करके ये नहीं बोल रहा है कि 3 दिन 7 दिन 10 दिन में आ जाएगा आपका, जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी। तो मैं ये कहूंगा एकनाथ शिंदे साहब से और चेयरमैन से कि इसको जल्द से जल्द आप एक्टिवेट करें कि सिटीजन्स के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।